हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल रीडिंग में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तीन कार्ड रखूंगी, 1, 2, 3। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज कर लीजिए। यदि एक से ज़्यादा कार्ड भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथ आय नमः। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहा है। फर्स्ट कार्ड, सेकंड एंड थर्ड, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज कर लीजिए। यदि एक से ज्यादा आपको लग रहा है ये कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल उसको भी आप चूज कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज किया है उनके लिए है आपका या तो बहुत गंदा दिल टूटा है या टूटने वाला है। आपको इंट्यूशन, जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज किया उसको इंट्यूशन आ रहे होंगे कि यदि आपने कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या आपके बॉयफ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है, आपको ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि संभल जाइए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज़ के लिए। आपका दिल टूट रहा है, दिल टूटने वाला है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। गाइस आपसे ये कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए। अगर आप कोई काम हो सकता है शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप में तो थोड़ा सा रुक जाइए गाइस। बहुत बुरा कार्ड ये है, बहुत पेन वाला कार्ड है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर हो सकता है कई लोग प्रपोज करने चाह रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि ये जो चीज़ है अभी जो प्रेजेंट आपका यूनिवर्स साथ नहीं दे रहा, आपका लक साथ नहीं दे रहा है, बहुत गंदी तरीके से ब्रेकअप होगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है बहुत पेन में हो सकता है, अभी हो भी गया होगा कुछ लोगों का। अगर आप पेन में हैं तो अपने आप को शांत और काम रखिए, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। बस आपको ये सोचना है आपके लिए आगे और रास्ते खुले हुए। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज किया है उनके लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं ये उन लोग जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा। आपको लगता है जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी काम करें सोच समझ कर करें। दोनों पहलुओं को गाइज आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ जो कार्ड आया है ये एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से लिया जाता है। तो अपने इंट्यूशन की सने अपने पावर को पहचाने। बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है जो अब ईश्वर की साइड ज़्यादा जा रहे हैं, उनकी भक्ति में कह सकते हैं आप उनको कि अब उनका पूजा पाठ में मन लगेगा, जो नहीं करते थे अभी तक, जिनको अब पूजा करना या फिर ऐसे इग्नोर मारते थे या टाइम वेस्ट लगता था, अब आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ लोग कदम रखने वाले हैं। हाँ, मैं यहाँ बोलूँगी, यदि आपकी शादी ब्याह का बात आपकी चल रही या जो देख रहे हैं उनके बच्चों की चल रही या रिलेटिव